हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीने की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। तो अभी नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, सभी लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। कुछ लोग फलाहार पे हैं तो कुछ लोग बिना लहसुन प्याज का खाना खा रहे हैं। तो मैं आज लाई हूँ आपके लिए दो फलाहार की रेसिपी जो मखान से बनी हुई है। एक है मखान का खीर और दूसरा है कुरकुरे मखान, मीठे मखान। तो हम मखान का खीर बनाएंगे। उसके लिए मुझे चाहिए छोटा चम्मच घी और उसमें मैं मखान एक कटोरी डाल के उसे रोस्ट कर लूँगी 2 से 3 मिनट। और रोस्ट करने के बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। खुरदुरा पीसना है, ज़्यादा बारीक पीसना नहीं है। और मैंने इसमें 1/2 किलो दूध लिया है। 1/2 किलो दूध में, ठंडे दूध में ही हम मखान को अच्छे से मिक्स करेंगे। गर्म दूध में नहीं मिक्स करें, नहीं तो गांठें पड़ जाएंगी, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो ठंडे दूध में पहले इसे अच्छे से मिक्स करके इसे घोल लेंगे। फिर हम गैस ऑन करके और इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। तब तक चलाएंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाए। तो जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तब इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ही इजी भी है और ज़्यादा सामान लगता नहीं है। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसका फ्लेम लो कर दी हूँ, मीडियम लो कर दी हूँ। और इसमें मैंने 1 इलायची घूट के दिया है फ्लेवर के लिए। आप देना चाहते हो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसमें मैंने 2 से 3 से 4 चम्मच चीनी दिया है। चीनी आप अपने हिसाब से दीजिए, आपको कम ज़्यादा जैसा पसंद हो। तो अब चीनी डाल के मैं इसे मिक्स करके छोड़ दूँगी। तो देखिए ये पक के तैयार हो गया है। 5 से 6 मिनट एक्चुअली हो चुका है। देखिए इसका थिकनेस हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि ये पाउडर का होता है और ये ज़्यादा गाढ़ा पकाइएगा तो ये बहुत ही टाइट हो जाएगा ठंडा होने के बाद। तो देखिए मेरा मीडियम थिकनेस था, तो ठंडा होने के बाद ये देखिए कितना एकदम परफेक्ट शेप में आ चुका है। तो देखिए अब इसका आप मज़ा लीजिए, ठंडा या गरम गरम। तो अब मैं बनाऊंगी मीठे मखाने की रेसिपी, जो बहुत ही अच्छा लगता है, एक स्नैक्स आइटम है। अगर आपको शाम में रात में खाने का मन करे तो इसे बना सकते हैं। इसमें लेकिन 2 चम्मच घी लीजिएगा और मखान डाल के इसे मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करना है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी दिया है। चीनी डाल के हम इसे एकदम क्विकली लो फ्लेम करके इसे क्विकली चलाते जाना है। ज़्यादा देर अगर छोड़ दिया तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए ये बन गया है, इसे ज़्यादा डाल करना नहीं है। और ठंडा होने के बाद मैंने इसके ऊपर चीनी का पाउडर दिया है, वो बहुत अच्छा लगता है और खाने में चीनी का पाउडर से गार्निश किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।